दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली के पहाड़गंज इलाके से देर रात एक होटल से रेस्क्यू करके 39 नेपाली लड़कियों को छुड़ाया है। इन सभी लड़कियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी की गई थी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने खुद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को संभाला और होटल में कैद सभी नेपाली लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इन लड़कियों को कुछ दिन पहले ही नेपाल से लाया गया था और विदेश भेजने की तैयारी थी। लड़कियों से पूछताछ में पता चला है कि दलालों ने उनके पासपोर्ट अपने पास रख लिए, उन्हें होटल में कैद कर लिया। बताया जा रहा है कि दिल्ली महिला आयोग को सूचना मिली थी कि पहाड़गंज के होटल में नेपाल की कुछ लड़कियों को रखा गया है। सूचना के बाद रात करीब 1 बजे की कार्रवाई की गई। इससे पहले 25 जुलाई को भी 16 लड़कियों को मोनेरका इलाके से रेस्क्यू किया गया था। पूरी रात दिल्ली महिला आयोग ने पहाड़गंज के होटल हृदय इन में रेड की है। वहां से 39 नेपाली लड़कियां रेस्क्यू करी गई हैं और ये सारी लड़कियों को यहां पर होटल में लाकर ये कहकर रखा गया था कि इनको ये जॉब देंगे, और जबकि उनको बेचा जा रहा था, गल्फ कंट्रीज में बेचा जा रहा है। श्रीलंका में कुछ लड़कियां ऑलरेडी भेज दी गई हैं जिनसे अभी कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पा रहा है। ये पूरा का पूरा मानव तस्करी का रैकेट चल रहा है। दिल्ली अब मानव तस्करी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहलाने जा रही है, क्योंकि एक ही हफ्ते के अंदर दिल्ली महिला आयोग ने ही 73 लड़कियां रेस्क्यू करी हैं।